नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा 24। सोतानाला स्थित अंबे लेबोरेटरी व धानों का फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण से क्षेत्र के एक दर्जन से भी ज्यादा गांवों की कपास की फसल बर्बाद हो गई। कांग्रेस नेत्री सुमन यादव ने बताया कि इन दो फैक्ट्रियों में 2,4-D नामक खरपतवार नाशक दवा बनाई जाती है, लेकिन इन फैक्ट्रियों के प्रदूषण के कारण चौड़े पत्ते वाली फसल नष्ट हो रही है। कांग्रेस नेता विजय यादव, बस्तीराम यादव, किरोड़ी पटवारी ने तहसीलदार के साथ प्रभावित गांवों का दौरा किया और बर्बाद फसलें दिखाई। वहीं इन नेताओं ने तहसीलदार को SDM के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सुमन यादव ने कहा कि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। विभाग के साइन है सबके, है ना। इन किसानों के तीन किसान है, इन तीनों किसानों की चिंता ही हुआ है। सबका ये चाहिए, सीधा जाओ अलवर रोड पे निकलो ना, आगे अच्छी गड़ी जिधर अलवर रोड के ऊपर खूब अच्छी है, तो छोड़ा आज करवा ली इसका अपना जा नहीं है घर में काम करवा लो, वो तो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मान रहा है कि तू बोली से हुआ ही। ABVP बहरोड ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा। जिला संयोजक तरुण शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए सहायता शिविर भी लगाया गया। वहीं प्रोफेसर हरि प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर कार्यकारिणी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। गांव जलालपुर में ठाडेसर महाराज के भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान सुमन यादव ने शिरकत की। सुमन यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ग्रामीण महिलाओं ने सुमन यादव का साल ओढ़ाकर स्वागत किया। गांव वालों को धन्यवाद दे रही हूँ जिन्होंने कि मुझे यहाँ आके आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका दिया, और महाराज से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि गांव पे आपकी महाराज की सदा अच्छी नजर बनी रहे, ये गांव सदा फले फूले। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे रा 24। नमस्कार।